पलामू जिला के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत करसो पंचायत के पंचलेवा गांव में आंगनबाड़ी सेंटर 3 सालों से बंद पड़ा हुआ है। यहां पर आंगनबाड़ी सेविका कभी नहीं जाती है, जाती भी है तो अपना घर तक जाती है, सेंटर तक नहीं जाती है। यहां का आंगनबाड़ी भवन भी जर्जर पड़ा हुआ है। इसके बारे में ग्रामीणों ने कई बार CDOP को भी अवगत कराया पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, ये इस आंगनबाड़ी भवन में हमने देखा पूरा गंदा पड़ा हुआ है, इसमें बच्चे लोग भी टट्टी कर दिए हैं, जानवर भी इसमें टट्टी कर दिए हैं, इसका वजह क्या है? ये सेविका तो साफ करती हैं पर बच्चा लोग लाला के गंदा कर देती हैं, और टीचर भी सेविका भी कहती हैं कि लाला के बच्चा लोग को मतलब वही अथी करती हैं कि जाके गंदा कर दो ताकि सेविका है सो नहीं चला सके सेंटर। किशोरियों और महिला गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषाहार मिलता है कि नहीं? जी नहीं। सूखा राशन मिलता है कि नहीं? जी नहीं। तो टीकाकरण होता है कि नहीं? जी टीकाकरण तो होता है। तो इसमें सेविका नहीं रहते हैं तो इसमें आप लोग कैसे कराते हैं? जी यही अथी रहती हैं, सहिया रहती हैं और सहायिका रहती हैं, बस उन्हीं लोग के अथी द्वारा होता है। सेविका तो कभी आती ही नहीं है, तो ये 2011 से सेविका बोलती हैं कि मिलिए नहीं रहा है, मिलिए नहीं रहा है, और आगे हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि 2-3 महीने का मिल चुका है, तो वही ना खा जाती हैं कि क्या करती हैं, सेंटर चलवे नहीं करता है। अच्छा, ये बताइएगा आप लोग यहाँ नहीं आती है सेविका जी, तो इसके खिलाफ में आप लोग आवाज़ उठाए कभी? जी उठाए हैं पर कोई फायदा नहीं, वो जाकर अथी दे देती हैं, घूस वूस दे देती हैं और अपना काम निकाल लेती हैं। सुपरवाइजर CDPO के यहाँ गए लेकिन उन लोग के पास 3-4 महीने पहले गए, इतना अथी भी किए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग सिर्फ बोलते हैं कि बाद में अथी होगा, अगले महीना, बस करते करते टार देता है बात को। आप सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मोबाइल नंबर 0775-4950-94 पर कॉल करके चैनपुर वीडियो को दबाव बनाएं ताकि यह जर्जर भवन बने और आंगनबाड़ी सेविका का नया बहाल हो, ताकि सुचारू रूप से लोगों का टीचर हो सके, महिलाओं का टीचर हो सके और बच्चों का देखरेख उचित ढंग से हो। मैं अनिल गुड़िया, पलामू झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।